Good morning, students. How are you? I hope you all are well and safe at your home. So, students, today we will continue the chapter number 5 in history, that is Architecture and Medieval India. So, students, in previous class we have already talked about different temple styles, different temple architecture styles. जिसमें हमने 3 स्टाइल्स देखी थी, दैट इज नागरा स्टाइल जो कहाँ पे थी हमारी नॉर्थ इंडिया में, देन द्रविड स्टाइल दैट इज फाउंड इन साउथ इंडिया, एंड नेक्स्ट इज वेस्टर्न स्टाइल दैट इज द हाइब्रिड स्टाइल. मीन्स बोथ फीचर्स द्रविड स्टाइल्स एंड नागरा स्टाइल्स ऑल्सो कंबाइंड इन द वेस्टर्न स्टाइल दैट इज फाउंड इन डेक्कन. Okay, and today in class we will discuss about Indo-Islamic architecture. Okay, what are the effect of the Indo-Islamic architecture? ठीक है, इस्लामिक जो आर्किटेक्चर था उसका इंडिया पे क्या असर आया, और जो इंडिया वाले थे उसका इस्लामिक पे क्या इफेक्ट आया, इसकी स्टडी हम करेंगे. सो लेट्स टुडेज क्लास. सो स्टूडेंट्स, विद द राइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल रूल in India, that is the evolution of a distinct Indo-Islamic style of architecture took place. The Central Asian style of these Muslim rulers blended well with the Indian architecture form already in use. So see, this is the example of Indo-Islamic architecture. इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो स्टोन्स थे मेनली वो रेड स्टोन, येलो स्टोन और मार्बल का ही उसमें यूज किया जाता था. देन इसमें मोस्ट प्रेफरेंट जो बिल्डिंग्स थी वो मटेरियल जो था वो जो स्लेव थे या जो खलजी थे आर्किटेक्चर्स, उन्होंने क्या क्या प्रिफर किया, रेड सैंड स्टोन. ठीक है, एंड द मुगल आर्किटेक्चर यूज प्लेंटी ऑफ वाइट मार्बल, द यूज ऑफ लाइम एज mortar for building purpose was also a major development. Okay, you can see this picture. This picture is the Alai Darwaza, that is in Delhi. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शेप बनी हुई है, लाइक इस टाइप की शेप बनी हुई है. जो शेप है यहाँ पर वो इस तरीके की बनी हुई है. ठीक है, this इस टाइप की शेप बनी हुई है. ये जो शेप होती थी वो जो मेन डोर होता था वहां पर बनी होती थी. ठीक है, एंट्रेंस गेट पर बनी हुई है, और इस शेप को हम बोलते थे ट्रू आर्च. ठीक है, इसके अंदर क्या होता था, की स्टोन भी लगाते थे. की स्टोन मतलब कि यहाँ पर जो एक जो स्टोन है वो फिक्स होता था यहाँ पर. ठीक है, जैसे यहां से सपोज मान लीजिए दरवाजा है, तो ऊपर में सपोज दिस इज अ डोर, तो ऊपर में क्या बना हुआ था, इसमें की स्टोन्स लगे हुए थे. की स्टोन बेसिकली क्या करते हैं, इस आर्च को सपोर्ट देते थे. ठीक है, ये जो आर्च है यहाँ पर डिफरेंट ऐसे की स्टोन्स लगे होते थे, वो बेसिकली इसको सपोर्ट देने के लिए होते थे. देन इसको क्या बोला गया, की स्टोन. लाइक आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो बलबन टोम्स है दिल्ली में, उसके रंग्स है, रूनिस है, मीन्स उसके अवशेष, उसके खंडर बचे हुए, उन पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से की स्टोन और ट्रू आर्क का यूज होता था. ठीक है, जो वाइटर एंट्रेंस होता था वो क्या करता था, ट्रू आर्क, और जो पॉइंटेड आर्क होता था वो भी यूज करते थे. देन जो मेसन्स होते थे, देन यूज द की स्टोन एंड अदर स्टोन ऑफ बोथ साइड्स दैट द स्टेड टूगेदर बाय द फोर्स ऑफ प्रेशर. ओके, एंड दिस पिक्चर इज हुमायूं टॉम, that is in Delhi, and interior view of the entrance tomb of Humayun's tomb. ठीक है, जो Humayun tomb, tomb यानी मकबरा. ठीक है, tombs का जो picture आप देख सकते हैं, इस tombs में क्या होता है, tombs and double domes are other distinctive feature of the Indo-Islamic architecture. So the double dome, ये जो double dome है मतलब कि जो गुंबद बनाया गया है वो कंप्रेस होता था इनर एंड आउटर लेयर, इसकी इनर और आउटर दोनों लेयर होती थी. देन द सीलिंग इज प्लेस्ड लोअर इन सच अ वे दिस इज प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सटीरियर इज नॉट डिस्टर्ब.
ठीक है। जो फोर्सिलिंग थी वो भी इस तरह की करवाई जाती थी, बहुत ज्यादा सुंदर होती थी वो, और अंदर के जो इनर पोर्शन था वहां पर वो होती थी। देन द टोम इज ऑक्टोंगल इन शेप एंड राइज इनटू टू स्टोरीज स्टोयर्स। द मुगल्स आर क्रिएटेड विद हैविंग इंट्रोड्यूस्ड द डबल टोम इन आर्किटेक्चर, ठीक है। डबल टोम को भी उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व किया था, तो आप इस पिक्चर के अंदर भी इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो मुगल्स थे वो अपने टोम्स में, डिफरेंट बिल्डिंग्स में उस ये जो आर्किटेक्चर था उसका यूज करते थे। नेक्स्ट यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एंट्रेंस द अकबर टोम सिकंदरा। ओके, इसमें क्या था, ये जो मीनारत से, मीनारत यानी जो मीनार होती है दैट इज कॉल्ड मीनारत, जो बहुत ऐसे लंबी होती है और लीन टावर बेस्ड होती है, आपने अपने आसपास में से जो मॉस्क वगैरह देखी होगी उसके पास में भी आपने ऐसा देखा होगा। अदरवाइज जैसे जामा मस्जिद तो दिल्ली में उसके पास में ऐसा बना हुआ है। ये जो है लंबी सी आकृति जो शेप है उसको मीनारत बोलते हैं। आप किसी भी मॉस्क के पास में चीज देख सकते हैं, अपने यहाँ पर भी सराउंडिंग काफी एग्जाम्पल्स ऐसे। सो जो लीन टावर्स था बेस होता था एक सिस्टम और सुप्रीम पोज स्टोर्स ऑफ डिक्रीजिंग साइज वॉज ऑल्सो वेरी कॉमन। इसका क्या होता था, नीचे से ये थोड़ी चौड़ी होती थी और ऊपर जाते जाते थोड़ा ये इसका जो ऊपर का हिस्सा है नैरो होता जाता था, आप इसमें देख भी सकते हो, ठीक है। ज्योमेट्रिक एंड फॉलोड पैटर्न्स होते थे, इंक्लूडेड मोटिव्स एंड लोटस बेल एंड स्वास्तिक वर ब्यूटीफुली कर्व्ड ऑन दी वॉल्स। वॉल्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में डिजाइन बनाई जाती थी जिसके अंदर फ्लोरल पैटर्न होते थे, ज्योमेट्रिक पैटर्न है जो कि ये किसकी पिक्चर में दिखाया जा रहा है आपको, इंटीरियर ऑफ द आगरा फोर्ट, जो आगरा फोर्ट है उसका इंटीरियर है जिसमें कि ज्योमेट्रिक पैटर्न का यूज किया गया है, और जो ताजमहल है उसमें फ्लोरल पैटर्न भी यूज करे गए, ठीक है। बेल बूटे, फूल पत्तियां, वो सब जो वॉल है उस पर बनाई गई है। जो पैटर्न्स थे वो ऑफन कम्बाइंड विद पैनल्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस कैलीग्राफी विद कंसिस्ट ऑफ वर्स फ्रॉम द कोरन। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डेकोरेटिव डिवाइसेस कैम टू बी नोन एज अर्बस्ट्यू। ये जो है पिक्चर एक्सटीरियर ऑफ द ताजमहल, ताजमहल के एक्सटीरियर पोर्शन दिखाया जा रहा है, एक्सटीरियर ऑफ द कुतुब मीनार। आप देख सकते हैं स्कल्पचर वगैरह पे कैलीग्राफी के जैसे राइटिंग फॉर्म में लिखा गया है स्क्रिप्चर्स पे, ये कैलीग्राफी का एक पैटर्न है, ठीक है। सो इस तरीके से जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसका इफेक्ट आया, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जो आर्किटेक्चर्स थे, डिफरेंट जो मोन्यूमेंट्स थे, डिफरेंट जो स्क्रिप्चर्स बनाए गए थे उस पर प्रेजेंट होती है, उस पर हमें शो हो रही है सब चीजें, हम उस पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था वो भी जो आर्किटेक्चर इन मिडिवल इंडिया था उसका एक पार्ट है, और हमने देखा कि किस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत थी और जो मुगल रूल था वो इंडिया में उन्होंने इवेल्युएशन किया इंडो इस्लामिक स्टाइल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।